इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो यूजुअली सेंसर में आती है। अगर मेरा इंफ्रारेड सेंसर है तो मेरे को एक अलग सेंसिंग रेंज मिलती है ब्लैक कलर पे। अगर मेरा वाइट टारगेट है तो मेरे को एक अलग सेंसिंग रेंज मिलती है। ऐसा इसलिए ब्लैक सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और वाइट सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेरी सेंसिंग रेंज सेंसर और टारगेट के बीच में वेरी कर जाती है। तो एक कंपनी ने इसका सोल्यूशन निकाला जिसका नाम है पेपरल एंड फूक्स। उसने एक सेंसर बनाया जिसका नाम है ट्रायंगुलेशन सेंसर विद बैकग्राउंड सप्रेशन, और इसका सोल्यूशन निकाला और ये क्लेम किया कि कोई भी अगर टारगेट हो कोई भी कलर का सेम सेंसिंग रिंग मिलती है, चाहे वो ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो। ये एक इनोवेशन था एक कंपनी के लिए और इस वीडियो में मैं उसकी वर्किंग बताऊंगा उस सेंसर की, उसे कनेक्शन बताऊंगा और एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से बताऊंगा। सो इंट्रो वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सेंसर, और इस सेंसर को जो मैन्युफैक्चर करते कंपनी वो है पेपरल एंड फूक्स। इसका मॉडल नंबर है ML1008H350RD/102/115। इस वीडियो में हम सेंसर की वर्किंग देखेंगे, हम कनेक्शंस भी देखेंगे, एंड प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि सबसे ज्यादा हमें गेन हुए इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो ये रहा हमारे पास सेंसर, और इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है 10-30 volt DC, एंड इसकी जो आउटपुट है वो एक NPN टाइप है। मैंने पुरानी वीडियो में एक कंसेप्ट सीरीज में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है एक NPN टाइप सेंसर और एक PNP टाइप सेंसर। तो ये सेंसर एक ट्राइंगुलर सेंसर है विद बैकग्राउंड सप्रेशन। इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर एक ही में है। ये डिफ्यूज टाइप सेंसर कहते हैं इस टाइप को, और ये एक सेंसर ऐसा है जो रेड लाइट ट्रांसमिट करता है, और इसकी वजह से हमें जो सेंसिंग रेंज मिल पाती है वो 5 mm to 350 mm मिल पाती है। काफी अच्छी सेंसिंग रेंज है और हम वो एडजस्ट भी कर सकते हैं यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर। ये सेंसर एक मिनिएचर टाइप सेंसर भी है। इसका मतलब ये है कि बहुत छोटी जगह पे बहुत आसानी से लग जाता है। अब इसके आगे की वर्किंग देखते हैं। अब इसके बैक इंडिकेशन LEDs को देख लेते हैं। इसमें दो LED इंडिकेशन है, एक पावर सप्लाई की है, और जब कोई टारगेट आता है तो LED इंडिकेशन है ग्रीन और ऑरेंज। एंड हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास एक लाइट ऑन डार्क ऑन मोड है, L फॉर लाइट ऑन, D फॉर डार्क ऑन मोड। एंड हम यहाँ पे सेंसिंग रेंज भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर से बहुत आसान है इसको एडजस्ट करना। एंड अब कनेक्शन देख लेते हैं हम इसके क्या क्या सेंसरी कनेक्शन है। सेंसरी कनेक्शन कुछ इस तरह से है, जो रेड वायर है वो पॉजिटिव है सेंसर का, और जो ब्लू वायर है वो नेगेटिव है सेंसर का। ब्लैक वायर है आउटपुट ऑफ द सेंसर विच इज अ NPN टाइप आउटपुट। ऑपरेटिंग वोल्टेज सेंसर की बताई थी 10-30 volt DC रहती है। अब वायर करते हैं सेंसर को। सो ये मेरे पास एक कंट्रोल यूनिट है जिसको मैंने 220 volt AC दी हुई है। ये यहां पे 24 volt VDC में कन्वर्ट कर रहा है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ब्लैक वायर आर कनेक्टेड। इसमें जो ब्लैक वायर है वो एक NPN टाइप रिले के साथ कनेक्टेड है इंटरनली। देख पा रहे हैं आप एक NPN रिले, और लोड में मैंने कनेक्ट किया एक सिंपली बल्ब एक NO कनेक्शन में। तो जैसे ही मैं टारगेट लेकर आता हूं सेंसर के सामने, मेरा बल्ब ग्लो होने लग जाता है, और इसी की तरह मेरा सेंसर परफेक्टली वर्क कर रहा है, और हम सेंसिटिविटी भी एडजस्ट कर सकते हैं विद दिस स्क्रू ड्राइवर। इस सेंसर की एक और खास बात यह है, ये अंधेरे में भी काम करता है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एक्सटर्नल लाइट का सेंसिंग रेंज पे, वो फिक्स रहती है हमेशा। तो मेरे पास अब टारगेट है अलग अलग कलर के, रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट। एंड अब देखते हैं कि सेंसर कैसे काम करता है मेरा। तो मैं वाइट टारगेट लेकर आया हूँ। वाइट टारगेट पे यूजुअली जितने भी सेंसर रहते हैं मैक्सिमम सेंसिंग रेंज देते हैं। तो मैं एक 5 पॉइंट लेता हूँ कि मेरा टारगेट जब 5 पर आता है मेरे को मेरा आउटपुट मिलता है। LED बल्ब की इंडिकेशन देख सकते हैं हम। एंड जैसे मैं ब्लैक टारगेट लेके आता हूँ, यूजुअली सब सेंसर पे सबसे कम रेंज आती है, बट हम यहाँ देख रहे हैं सेम 5 पॉइंट पे मेरे को आउटपुट मिल रहा है, जो BGS में खास बात है नॉर्मल सेंसर से ज्यादा।
अगर मैं कोई भी कलर का टारगेट लेकर आऊं, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो कोई और कलर हो, मेरे को सेम पोजीशन पे 5 पे सेंसिंग रेंज मिलेगी। सो आई होप यू गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस सेंसर, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू वांट, शेयर दिस वीडियो अमंग दोस हु आर जिन लोगों के पास इस सही में प्रॉब्लम है कि अलग सेंसिंग रेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द कलर टारगेट, एंड प्लीज डू शेयर अमंग दोज इंजीनियर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।